तो दोस्तों, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिस्कस किया था, प्लेसमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। अभी देख लो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है। और ये क्वेश्चन कई बार 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 पूछा जाता है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है ट्रेनिंग के बीच में और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस वीडियो को आराम से देखना, अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ठीक है, केवल आपको एग्जाम नहीं पास करना है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन भी गेन करनी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही एक देखे तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब अलग होता है, डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। इसके मीनिंग, डेफिनेशन और प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू एजुकेशनल एक्टिविटीज़। एक तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, हम इन दोनों से कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। ठीक है, एक आदमी जो है अगर उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो ऑटोमेटिक उसका डेवलपमेंट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी आदमी कॉल सेंटर में कहीं पर जॉब करता है, ठीक है, कॉल सेंटर में अगर कहीं जॉब करता है तो वो क्या करता है, उसको इंग्लिश, मान लो उसकी इंग्लिश एवरेज है, ठीक है, उसकी इंग्लिश एवरेज है। अब वो वहाँ पर जाता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, जब भी कभी भी कॉल आए तो किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, ट्रेनिंग है, जो कि उसको एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए उसको अपना मुँह चलाना है। लेकिन जब भी कभी उसके पास में प्रॉब्लम आएगी, जब भी वो फंसेगा, तो उससे क्या होगा, उसका धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होगा और उससे उसकी इंग्लिश जो होगी वो क्या होगी, और भी ज़्यादा बेटर और इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ट्रेनिंग का मतलब तो क्या है, ट्रेनिंग तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म है, चलो ठीक है, आपने उस पर्टिकुलर स्किल को हायर किया और उससे आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो तो ट्रेनिंग है। बट उस काम को करने के साथ साथ में आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट भी हो रहा है। आपको आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको वहां से सीखने को ही मिलेगा, तो वहां से आपका क्या होगा, पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो दोनों क्या है, एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं विद इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर दोनों चीज ही होती है। ठीक है, एम टू इनहेंस, इसका एम क्या होता है, मेन एम यही होता है कि इनहेंस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एक एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल, नॉलेज और स्किल्स दोनों को ही क्या करना, इंप्रूव करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हैज वेरियस फंक्शन सच एज मैन पावर प्लानिंग, उसके लिए क्या करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, तो हम लोगों ने पढ़ाई था, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, देन सिलेक्शन होता है, और इस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग होता है, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए, हमने क्या किया, लोगों को अगर हायर भी कर लिया और हायर करके अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को हायर कर दिया, तो वो क्या खुद काम करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, उससे पहले उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे क्या होगा कि ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, जिससे कि क्या होगी, एम्प्लॉय की एक पर्टिकुलर प्रोग्रेस होगी। ठीक है, विच मोटिवेट्स हिम टू वर्क फॉर अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम जस्ट मनी, जिससे कि उसके अंदर क्या होगा, मोटिवेशन होगा अगर, तो वो केवल काम पैसों के लिए ही काम नहीं करेगा, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी होगा, तो वो क्या करेगा, अपना 100% बेस्ट आउटपुट भी देगा, है ना। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब यही है। पहले के समय में क्या होता था, पहले के टाइम पे कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी, बस जिस आप लोगों को क्या करो कि लोगों को क्या करना रहता था, बस हायर करो काम करने के लिए। ठीक है, जैसे मजदूर लेबर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको हायर करो, काम करवाओ, और उसके बाद में उसके बदले उनको वेज दो, या फिर उनको उनके अकॉर्डिंग सैलरी पैसे दे दो, और वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है, बट अभी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग इस वजह से करवाया जाता है कि वो अपना बेस्ट आउटपुट दें, काम तो करें लेकिन काम के अंदर क्वालिटी भी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी भी मैटर करती है, इस वजह से ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, जिससे कि आदमी का मोटिवेशन बने, उसको कुछ सीखने को मिले, ऐसा ना लगे कि मुझे यहाँ पर केवल पैसे दिए जाते हैं, बस जस्ट केवल काम चलाया जाना है ना, तो वहाँ पर उससे क्या होगा, ट्रेनिंग देने से क्या होगा, एक उसको पर्सनल ऐसा फील आएगा, ठीक है, कि मुझे कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन आता है कि इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, तो उसमें क्या है कि ट्रेनिंग इज मोस्टली शॉर्ट टर्म,
विद अ कॉन्सर्न गोल। ये क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग का मतलब मान लो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपको कोई मशीन चलाना नहीं आता है, उसकी मशीन की आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई कि इस जगह ये है, ये इस जगह कंट्रोल पैनल है, इसको इस बटन को दबाओगे तो ये होगा ये होगा, तो ये क्या है, ट्रेनिंग दे दी गई, चलो ठीक है आप सीख गए। बट उस मशीन को सीखते सीखते आप जो भी लोगों से मिल रहे हो, जो भी लोगों को देख रहे हो, किस तरीके से अपनी मैन पावर को हैंडल कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी। जो ट्रेनिंग होती है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है आपको एक मशीन चलानी आ गई बस आपकी ट्रेनिंग खत्म, ठीक है। बट वहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करो तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होगी जो कि आपको गोल्स को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर मतलब लगातार होती रहेगी ना, वो जो भी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होता रहेगा। तो डेवलपमेंट एक जो होता है वो लॉन्ग टर्म एक्टिविटी होती है। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे आओ, तो सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखें कि ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द रोल, मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर रोल के लिए नियुक्त किए गए हो उस रोल के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। बट डेवलपमेंट जो होता है वो इस पर फोकस किया जाता है कि ऑन द पर्सन, मतलब कि आपकी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी जो डेवलपमेंट होता है वो फोकस करता है। ठीक है, अगर आप केवल पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ आपका एग्ज़ाम तो पास हो ही रहा है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेनिंग होगा। कि मतलब कि ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ कि आपका आपने पढ़ा और आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, ठीक है बस। लेकिन उसको पढ़ने के साथ साथ अगर आपके जीवन में लाइफ में जो भी चीज़ें आप उसको लगा रहे हो तो वो क्या है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट है ना। फिर थर्ड नंबर पे बात करो तो यहाँ पर ट्रेनिंग एम्स एट द स्पेसिफिक जॉब, वो एक स्पेसिफिक जॉब और रोल के लिए रिक्वायर्ड होती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो किस पे फोकस करता है, ओवरऑल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डेवलपमेंट से। अब नंबर फोर्थ पे बात करें तो नंबर फोर्थ की क्या है कि ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग एकम्प्लिस ओनली करंट नीड्स, वो आपकी आज की आवश्यकताओं को पूरी करेगी। अगर आपने किसी चीज़ की पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले ली तो आपकी आज की आवश्यकताएं पूरी होंगी। बट यहाँ पर डेवलपमेंट जो होती है वो जिससे कि आप अपने फ्यूचर को भी डिफाइन कर सकते हो एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख सकते हो, तो ट्रेनिंग इज़ डिज़ाइन फॉर नॉन मैनेजर्स एज वेल एज मैनेजर्स। ट्रेनिंग जो होती है वो किसकी किसकी हो सकती है, नॉन मैनेजर्स जो भी टेक्निकल आदमी होती है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। बट जो डेवलपमेंट होता है वो केवल मैनेजर के कर्मचारियों के लिए ही, ऐसी ट्रेनिंग जो होती है वो जो मैनेजमेंट संभालते हैं उसके लिए ही करवाई जाती है। फिर सिक्स नंबर पर बात करो तो ट्रेनिंग रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज। यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स को देखा जाता है कि उसमें आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है, कितनी आपके पास में स्किल्स है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो किस चीज पे फोकस कर जाती, कॉन्सेप्चुअल एंड थियोरिटिकल नॉलेज, आपके पास में सोचने की कितनी ज़्यादा अच्छी क्षमता है, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज मतलब आप मशीन के साथ काम कर लेते हो, मशीन को सुधार देते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये क्या है, टेक्निकल नॉलेज आती है। बट वहीं पर कॉन्सेप्चुअल का मतलब कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है, आप किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ को देखा जाता है। नंबर सेवन पे बात करें तो ट्रेनिंग इज़ अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रोसेस है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, आपकी जो करियर, मतलब आप इससे अपना पूरा करियर बना सकते हो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रोसेस जो डेवलपमेंट है, तो अपने डेवलपमेंट पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिर यहाँ पर देखो एट नंबर पर क्या है कि ट्रेनिंग हैज़ अ नैरो स्कोप, इसका क्या स्कोप क्या है, नैरो है, बट वहीं जो डेवलपमेंट है उसका क्या है, वाइड स्कोप है। फिर ट्रेनिंग की बात करें नंबर नाइन पर, तो ट्रेनिंग इज़ कॉन्सर्न विद द इमीडिएट इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है कि अगर हम आज किसी आदमी को ट्रेनिंग दे रहे तो हम ये उस व्यक्ति से आशा रखते हैं कि वो आज 10-15 दिन बाद में उसमें पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर मान लो कोई भी मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो मशीन चलाना सीख जाएगा, ठीक है। जबकि डेवलपमेंट जो होता है इट इज़ अ प्रोसेस मेक्स द एम्प्लॉय इफिशियंट इनफ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन इन द फ्यूचर, जबकि जो डेवलपमेंट होता है अगर जो भी आदमी उस चीज़ को सीखता है तो उसके सीखने के साथ साथ में अगर वो चार लोगों से मिलता है, दो चार लोगों से मिलता है, ठीक है, उसके साथ में उसको ये चीज़ सोचने समझने की क्षमता आती है, कौन आदमी सही है कौन गलत है, तो ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसको हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं क्रिटिकल सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग लेने में फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो भी पॉइंट है डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे।
हाँ यहाँ पर एक चीज़ और ले गई है ठीक है, इसके मेथड्स भी देख लो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं इसके पर्टिकुलर, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसके मेथड्स बताओ, तो दो मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। हम देखो किसी भी आदमी को ट्रेनिंग किस तरीके से दे सकते हैं, कंपनी में हायर किया उसको, कंपनी में हायर करने के बाद में हमने उसको क्या दिया जॉब, JIT मतलब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, यानी कि उस जॉब से रिलेटेड जहां पर जो भी उसकी पोजीशन है जो भी डिजिग्नेशन है उससे रिलेटेड हम उसको ट्रेनिंग देंगे ठीक है, उसको मॉनिटरिंग यानी उसको उसको देखेंगे जॉब देने के बाद में उसको हम क्या करें मेंटरिंग, जो भी एक उसका मेंटर होगा मेंटोर होगा जो कि उसको प्रॉपर गाइडेंस देगा गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। और नंबर थर्ड पे क्या है अप्रेंटिसशिप आती है, अप्रेंटिसशिप का भी आपने नाम सुना होगा जिसको हम लोग इंटर्नशिप अलग होती है अप्रेंटिसशिप अलग होती है ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप में भी क्या होता है कि अर्निंग वाइल लर्निंग ठीक है, आप उसमें करते क्या हो कुछ सीखते भी हो और सीखने के साथ साथ आपको उसके बदले में पैसे भी मिलते हैं ठीक है, तो ये क्या है आपकी अप्रेंटिसशिप के अंदर आती है। तो ये जॉब और ऑन द जॉब ओरिएंटेड मेथड्स है, जबकि ऑन द जॉब ये क्या है ये सारी चीज़ें ऑन द जॉब हैं, जबकि ऑफ द जॉब के अंदर बात करें तो उसके अंदर जैसे आपके लेक्चर्स हो गए सेमिनार्स हो गए केस स्टडी आपको दे दी गई, केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम दे दी गई उसको आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, ग्रुप डिस्कशन हो गया आपको कोई रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया किसी का रोल प्ले करने के लिए दे दिया गया, तो ये सारी जो भी चीज़ें आती हैं जिससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट ज़्यादातर होता है, तो ये क्या होती है कि ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, दिस वाज ऑल अबाउट कि मेथड्स क्या हैं ट्रेनिंग डेवलपमेंट के और इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।